सो व्हाट्सअप गाइज, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ पिक्सार्ट एप्लीकेशन की सहायता से कुछ इस टाइप का सीवी फोटो एडिटिंग करना। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के अंदर आप लोग को 4 से 5 स्टेप्स के अंदर कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सिखाया गया है। तो आप लोग भी इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कर लेंगे तो आप लोग भी कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस सिंपल फोटो को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको यहां से ओपन कर लेंगे पिक्सार्ट ऐप में, ठीक है। तो दोस्तों इस ऐप में ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले क्या करना होगा, यहां पे आ जाना है और फेस को हम लोग गोरा करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को यहां पे नीचे रिटच वाले ऑप्शन पे यानी कि इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोग को स्किन टोन का ऑप्शन दिख जाएगा नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद क्या करना होगा, आप लोग को सबसे यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन यानी कि कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद आप लोग को, अगर आप लोग का इस टाइप का इंटरफेस नहीं गा तो उस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा और वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। और सेव कर लेने के बाद फिर से क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ऑटो का ऑप्शन होगा तो उस पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग का फोटो वन क्लिक में गोरा हो जाएगा। एंड इसके बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो सेव कर लेने के बाद यहाँ से आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना होगा। और इसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ पे नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है। तो टूल्स पर क्लिक कर देने फिर से यहाँ पे आप लोग को एडजस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा तो उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे सेचुरेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसका सेचुरेशन हम लोग -100 तक कर लेंगे। एंड उसके बाद ऊपर इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक कर देने बाद यहाँ पर नीचे इरेज पर क्लिक कर देना होगा। और इस पर क्लिक कर देने बाद सेम सेटिंग रख लेना है, फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसको स्क्रीन पे ड्रॉ करना है। तो आप लोग का जो भी ब्लैक निशान होगा कुछ इस तरीके से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो रिमूव कर लेने के बाद फिर से क्या करना होगा, ऊपर राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को हम लोग यहाँ से सेव कर लेंगे। तो सेव कर लेने के बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आप लोग यहां पे देख सकते हैं आर्टिस्ट का ऑप्शन होगा, तो यानी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पे क्या करना होगा, फैटल वन पे रख लेना है, ठीक है। और फैटल वन पे रख लेने के बाद आप लोग को यहां पे देख सकते फिर से उसी पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई पे इसको रख लेना है। एंड इसके बाद क्या करना होगा, ऊपर यहाँ पर इरेजर पर क्लिक कर देना है। और इरेजर पर क्लिक कर देने बाद फिर से यहाँ पर नीचे इरेज वाले ऑप्शन पर इसको रख लेना होगा। और इसके बाद क्या करना, फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसको फेस पे अप्लाई करेंगे तो जो भी आप लोग का फेस पे ब्लैक निशान होगा कुछ इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से रिमूव कर लीजिएगा। और रिमूव कर लेने के बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। और सेव कर लेने के बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद नीचे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद क्या करना होगा, हम लोग यहाँ से गैलरी में से एक पीएनजी को ऐड कर लेंगे, ब्लू कलर का पीएनजी ऐड कर लेंगे। और यहाँ से ऐड कर लेने वाला इसको क्या करना है, कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है। और इसके बाद क्या करना होगा, नीचे बहुत सारा ऑप्शन है तो यहाँ पे नीचे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और उस पर क्लिक कर देने वाला इसको हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर डार्केन पे एंड मल्टीप्लाई पे इसको रख लेंगे, ठीक है। और ऊपर इरेजर पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद क्या करना होगा, इसको यहाँ से इनवर्ट पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे ब्रश पे यानी कि रीस्टोर पे इसको रख लेंगे। और इसके बाद फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसको कपड़े पर अप्लाई करना है, इससे आप लोग का कपड़े का कलर चेंज हो जाएगा। तो आप लोग ब्रश का साइज बढ़ा सकते हैं एंड छोटा भी कर सकते हैं। और इसको फोटो को फुल जूम करके कुछ इस तरीके से पूरे कपड़े पर आप लोग को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और अप्लाई कर लेने के बाद फिर से ऊपर राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। और सेव कर लेने के बाद फिर से बैक आ जाना होगा। एंड इसके बाद फिर से हम लोग को नीचे यहाँ पे इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्लर का ऑप्शन होगा तो उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फर्स्ट वाले यानी कि ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और इसका जो फिर से उसी पर क्लिक कर देना है।
और जो इसका ब्लर स्ट्रेंथ हम लोग 9 या 10 के करीब रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इरेजर पे क्लिक कर देना होगा, और इरेजर पे क्लिक कर देने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे इसको इनवर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ब्लर हट जाएगा। एंड इसके बाद फिर से यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे यानी कि रिस्टोर पे क्लिक कर देना है, और फोटो को जूम कर लेना है और कुछ इस तरीके से इसको स्क्रीन पे ड्रा करना है, तो आप लोग का जो स्क्रीन यानी कि फेस होगा काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी आप लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है, और अप्लाई कर लेने बाद यहाँ पे क्या करना होगा, फिर से हम लोग को यहाँ पे आ जाना है और ऊपर राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी सेव कर लेना है, और सेव कर लेने बाद फिर से बैक आ जाना होगा। एंड इसके बाद फिर से यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ से हम लोग एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस बैकग्राउंड को हम लोग कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ऊपर यहाँ पे इरेजर पे क्लिक कर देना है, और उस पर क्लिक कर देना भाई, यहाँ पे इनवर्ट पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है, तो हट जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और इसके बाद सेम सेटिंग रख लेना और कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड को इरेज करना है, तो जो आप लोग का बैकग्राउंड जो है काफ़ी अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा। और सबसे पहले क्या करना, फोटो को फुल जूम करके बॉडी के किनारे किनारे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आप लोग का बैकग्राउंड जो है काफ़ी अच्छे तरीके से रिमूव होगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर लीजिएगा, एंड इसके बाद इसको यहाँ से क्या करना होगा, सेव कर लेना है, और सेव कर लेने के बाद फिर से क्या करना, यहाँ पे आ जाना है और नीचे यहाँ पे ड्रॉ वाले ऑप्शन पे यानी कि इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और इसके बाद ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज पर क्लिक कर देना होगा।